जय माता दी। भोजपुरिया खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बिहार का स्पेशल भुजिया बनाएंगे आलू का, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। किसी के भी साथ खाइए, या पूड़ी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए सबसे पहले हम आलू लेंगे, उन्हें अच्छे से धो लेंगे, उनके छिलके निकाल लेंगे और बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे जैसे कि मैं काट रही हूँ, और इसे कम से कम अच्छे से 2-3 पानी धो लेंगे। उसके बाद कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हमने डाल दिया है इसके अंदर और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया है, अब इसके अंदर 4-5 सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हम चला लेंगे और इसे बीच में से कट भी कर लेंगे। और देख सकते हैं ये भी लाल हो गई है लाल मिर्ची। अब इसके अंदर हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से हम लाल कर लेंगे। ऐसे मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये बिहार के तरीके का आलू का भुजिया कैसा लगा। देख लीजिए, अब ये गोल्डन ब्राउन हो ही गया है लगभग हमारा प्याज। इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। देख लीजिए, ये हमारा प्याज बिल्कुल लाल हो गया है पक्के। अब एक बार और चला लेंगे इसे। अब इसके अंदर हम आलू को डाल देंगे जो हमने काट लिया था। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे लहसुन, काली मिर्च और जीरा। इसे अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे इसका। और देख लीजिए, ये भुजिया को चेक कर लेंगे एक बार और। हमने अच्छे से इसे चला लिया है। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। ये पेस्ट डालने से 100 गुना भुजिया का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े से ही मसाले में बहुत ही टेस्टी बनता है और ये खाने में भुजिया बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसे देख लीजिए, हमने इसे अच्छे से चला लिया है। अब इसे कम से कम हमें 5 या 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे। इसके अंदर हमने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे भुजिया को क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तो आलू की भुजिया ही कहा जाता है। अब देख लीजिए, 5-4 मिनट तक इसे ढक के पका लिया है। अब इसे अच्छे से एक बार और चला लेंगे और चेक कर लेंगे ये पका है कि नहीं पका है एक बार। अगर ये पका है तो ठीक है, नहीं पका है तो 2-3 मिनट और ढक कर के पका लेंगे। अभी नहीं पका है, 2-3 मिनट और ढक कर के हमने पका लिया है। देख ही सकते हैं ये पक के बिल्कुल रेडी है। ये हमारा आलू का भुजिया कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें। तब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।